इफ अ गर्ल सेज नो इट मीन्स नो, अगर एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब होता है ना। सत्य प्रेम की कथा यही मैसेज देती है और बड़े एंटरटेनिंग तरीके से देती है। क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए, बताएंगे इस रिव्यू में। लेकिन सबसे पहले एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक रिव्यूज हम आपको यही देते हैं। रोस्ट नहीं करते बेकार में, जो सच होता है, जो सही होता है वही बताते हैं। तो कहानी क्या है, कहानी है सत्य प्रेम यानी सत्तू यानी कार्तिक आर्यन की, जो LLB में फेल हो जाते हैं, निखट्टू हैं, घर का काम करते हैं, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि भैया शादी हो जाए। कथा एक अमीर बाप की बेटी है, बॉयफ्रेंड धोखा दे चुका है। सत्य प्रेम ने एक साल पहले कथा को देखा होता है और बस दिल वहीं अटका होता है, ब्रेकअप का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ब्रेकअप हो जाता है, कथा से मिलने पहुंच जाते हैं, मोहब्बत नहीं होती है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मोहब्बत होती है तो मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन शादी हो जाती है। अब बिना मोहब्बत शादी कैसे होती है, ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो भी आपको फिल्म में देखना पड़ेगा, और वही ट्विस्ट, वही मैसेज इस फिल्म की कहीं ना कहीं जान है। ये फिल्म ये मैसेज भी देती है कि रेप किसी लड़की के छोटे कपड़ों की वजह से नहीं होता, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है, घटिया मेंटालिटी की वजह से होता है। बात एक्टिंग की करें तो कार्तिक आर्यन सत्तू के किरदार में जबरदस्त लगे हैं। उन्होंने गुजराती एक्सेंट को बड़े शानदार तरीके से पकड़ा है। जिस तरीके से वो बेचारगी दिखाते हैं, घर का काम करते हैं, इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो एक बार फिर कार्तिक आर्यन ने दिखा दिया है कि भैया एक्टर तो वो अच्छे हैं। कियारा आडवाणी शानदार है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जबरदस्त लगती है, और एक्टिंग भी कियारा ने काफी अच्छी की है। गुजराती एक्सेंट भी कियारा ने शानदार तरीके से पकड़ा है। कार्तिक के मम्मी पापा के किरदार में गजराज राव और सुप्रिया पाठक ने भी शानदार काम किया है। दोनों वैसे भी कमाल के एक्टर हैं, और यहां भी उनकी एक्टिंग में कमी आप नहीं निकाल पाएंगे। राजपाल यादव एक दूध वाले के किरदार में हैं, बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन वो आपको इंप्रेस करते हैं, आपको गुदगुदाते हैं। देखिए, ये एक रोमांटिक फिल्म है, एक लाइट रोमांटिक फिल्म है, जो एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज देती है, और यही, जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म की खासियत है। फिल्म की कहानी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, जहां आपको लगता है कि अब ऐसा होगा वहां कुछ और हो जाता है, और यही इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विध्वंस ने, और डायरेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। जिस तरह का मुद्दा उन्होंने उठाया उसे लेकर कुछ हार्ड हिटिंग सीन्स और भी डाले जा सकते थे, वहां समीर थोड़ा सा चूक गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर डायरेक्शन को ठीक ठाक कहा जाएगा। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, रील्स में पॉपुलर हो रहा है, पसूरी की वजह से इस फिल्म को ट्रोल भी किया जा रहा है, बाकी ट्रोल तो आजकल हर किसी को कर दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म का म्यूजिक ऐसा नहीं है कि आप गुनगुनाते हुए थिएटर से बाहर निकले। हाँ, आप थिएटर से एक मैसेज लेकर जरूर बाहर आते हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अगर उनके फैन नहीं भी हैं तो भी मैं कहूंगा कि इस फिल्म को फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि जिस तरह की बात इस फिल्म में कही गई है, मुझे लगता है वो बात सोसाइटी तक पहुंचनी चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स।